तो वेलकम बैक दोस्तों, कॉमिक्स ऑन ट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ब्लैक पैंथर का 5वां पार्ट, जिसका नाम है ब्लैक पैंथर एंड द एजेंट्स ऑफ वकांडा। जी हाँ, इसके नाम सेम ही रहे हैं शुरू से। इसके अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, और अगर आपने वो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो उसे दबाओ, बहुत मज़ा आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं कॉमिक की ओर। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर एक गार्डन में एक पोर्टल के सामने बैठकर ना जाने क्या कर रहे होते हैं, और तभी उनके सामने ओकियो प्रकट होती है और उन्हें पोर्टल के अंदर ले जाती है और कहती है, ओए माय किंग, हमें मेरी ड्यूटीज़ को लेकर कुछ बात करनी चाहिए। तभी ब्लैक पैंथर उसे कहते हैं, बोल। तो फिर ओकियो कहती है कि जेड़ा तुसी स्कैनिंग सिस्टम लॉन्च कीता सिगा वो एकदम सही तरह काम कर रहा है, और वो ये भी बताती है कि लगातार खतरों की रिपोर्ट्स आ रही हैं और हमारे एजेंट्स उससे जूझ रहे हैं। फिर ब्लैक पैंथर कहते हैं कि इस दुनिया नु सुरक्षा दी लोड़ है। फिर ओकियो कहती है कि अगर ये एक जंग है तो हमें सोल्जर्स की ज़रूरत है, ना कि इन राक्षसों की। पर ब्लैक पैंथर ओदी इस गल नाल पूरी तरह इनकार कर देते हैं। फिर हम देखते हैं डॉक्टर नेमेसिस को, जो कि एक वकांडन एजेंट है। वो कहता है कि चेयरमैन साहब, सानू इत्थे गड़बड़ मिली है। वो कहते हैं कि हमें एक ऑटोनोमस सिस्टम से जिससे हमें ये फाइल मिली है, और बस यही नहीं, हमें उस फाइल के साथ टैग्ड एक इंस्टाग्राम क्लिप भी मिली, और जब वो क्लिप चलाते हैं तो उसमें डेडपूल होता है, जो वीडियो में कहता है कि हाल आप। तो उसे देखकर ब्लैक पैंथर गुस्से में आ जाते हैं और ओकियो से वेपन्स लोड करने के लिए कहते हैं। तो फिर असी वेने डेडपूल नू, जेड़ा कि मोटरसाइकिल चलाउन दे नाल नाल मोबाइल फोन भी चला रहा हुंदा है, और फिर उसकी टक्कर एक ट्रक से होती है और वो कैक्टस की झाड़ियों में जा गिरता है। तो फिर ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक तो थल्ले उतर के डेडपूल नू वेखण आउंदा है, तो वो वेंदा है कि डेडपूल विंगा तड़िंगा होया कैक्टस दी झाड़ियों विच लम्मा पिया हुंदा है। लेकिन सबको पता है गाइस, डेडपूल के पास हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और वो हील कर सकता है चाहे जितना मर्जी बड़ा हादसा हो। तो डेडपूल खड़ा होता है और ट्रक ड्राइवर हैरान। तो डेडपूल उसे कहता है कि सॉरी फॉर द डेंट, और वो उसे स्टार्क अनलिमिटेड साइट पर बताता है कि यह हल्क डैमेज का फॉर्म भरो और तुम्हें अपना रिफंड मिल जाएगा। और फिर डेडपूल शील्ड के बंकर को ढूंढने उस रेगिस्तान में घूम रहे होते हैं, और तभी एक पत्थर के नीचे कीबोर्ड मिलता है, कहता है कि पासवर्ड दो। तो डेडपूल टाइप करते हैं, निक फ्यूरी दाल चौल खांदा है। मशीन कहती है कि पासवर्ड इनकरेक्ट। डेडपूल बोलते हैं, जा यार, और तभी ज़मीन से शील्ड के बंकर तक जाने का रास्ता खुल जाता है, जो लगभग 100 फुट गहरा होता है। और फिर डेडपूल बिना डरे उस बंकर के अंदर छलांग मार देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उनके पीछे एजेंट्स ऑफ वकांडा आ गए होते हैं, जिसके अंदर रोज सोलेमोन और डॉक्टर नेमेसिस हम पहली बार देख रहे हैं। वास्प ब्लैक पैंथर से कहती है कि रुको, मैं अंदर देखकर आती हूँ कि माजरा क्या चल रहा है। जदों वास्प नीचे पहुँचती है तो वह देखती है कि डेडपूल एक बार फिर विंगे तड़िंगे होकर पए होंगे हैं, तो वास्प को मदद मांग रहे होंगे हैं। और फिर वास्प अपने स्कैनर से एनिमीज रेडिएशन देख रही होती है, और तभी एक गोस्ट उस पर आकर हमला कर देता है, तो नाल ही रोज सोलेमोन उस भूत उत्ते वार कर देती है, तो कहती है कि ये एक रोबोट है। तो वो आगे से कहता है कि मैं रोबोट नहीं हूँ, कुछ और सोचो। तो डेडपूल कहता है कि मशीनी टीन का डब्बा किदा का लग गया। तभी एक रोबोट रोज को हिप्नोटाइज कर उसकी गन से उसे ही मारने लगी होती है, लेकिन तभी उसकी गन में से अलार्म बजता है और वो होश में आ जाती है और टी चाला से बैकअप मंगवाती है। और तभी ब्लैक पैंथर उस नर रोबोट पर छलांग लगाते हैं और उसे पेलना शुरू कर देते हैं। तो फिर डेडपूल खड़ा होता है, अपनी पेट विचों तलवार कड़ता है, तो साला जो लगता बोलन चुप ही नहीं करता। फिर ब्लैक पैंथर उन्हें कहते हैं, तेनू दीदा नहीं है, मेरी मदद कर आ। फिर सभी एजेंट्स बैटल ग्राउंड में उतर आते हैं और ब्लैक पैंथर उस रोबोट के मुंह पर अपने पंजों से वार करते हैं, लेकिन उस रोबोट को कोई असर नहीं होता, और वो कहता है कि तुम्हें कुछ और इस्तेमाल करना होगा मुझे मारने की। तो फिर वास्प उस नर रोबोट के अंदर जाके उसके सारे अंजर पंजर ढिले कर देती है, या कह लो कि खराब कर देती है। तो फिर वो नर रोबोट शट डाउन हो जाता है, और फिर ओकियो भी उस मादा रोबो को नॉक कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस मादा रोबो में से आवाज़ आती है कि स्कैन कंप्लीटेड, और फिर आवाज़ आती है कि डिप्लॉइंग काउंटर में, और तभी सारे एजेंट्स को जोर का झटका धीरे से लगता है और फिर सभी एजेंट्स बेहोश हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ब्लैक पैंथर खड़े होकर देखते हैं कि उसके सामने डेडपूल और निक फ्यूरी के साथ एक लड़की और एक लड़का खड़े हैं। हाँ जी, फिर किवें लगी भी वीडियो, एहो जी कॉम्बो वीडियोज़ असी फिर तो लैके आते रहेंगे, जिदे विच पंजाबी ते हिंदी बोथ होणगियां। हाँ जी, बोथ होणगियां।
तो वो वास्तव तुम्हें करना पैना सबसक्राइब, तो फटाफट सबसक्राइब करो, तो वीडियो लाइक भी करो, तो थले कमेंट भी जरूर करो। ओके चलते हैं।